फिल्म लुटेरा ने सोनाक्षी सिन्हा के करियर को सच में सवार दिया है। सोनाक्षी ने अब तक भले ही कई 100 करोड़ क्लब की फिल्म्स की है, लेकिन अब तक किसी भी फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ नहीं की गई थी। लेकिन अब फिल्म लुटेरा में सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ हर कोई कर रहा है। और परफॉर्मेंसेज में कहूँगा तो आई थिंक ये सोनाक्षी सिन्हा की बेस्ट परफॉर्मेंस है। आई थिंक शी इज रियली परफॉर्म फॉर हर हार्ट। सोनाक्षी माइंड फैबुलस परफॉर्मेंसेस, बोथ ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस यंग कपल सच मैच्योर परफॉर्मेंसेस। क्रिटिक्स हो या बॉलीवुड फिल्म मेकर्स, हर कोई सोनाक्षी की तारीफ कर रहा है। सोनाक्षी ने भी अपनी इस खास फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जूम को अब खबर मिली है कि फिल्म लुटेरा की रिलीज से ठीक एक दिन पहले सोनाक्षी सिन्हा अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने निकल आई है। सोनाक्षी सिन्हा छुट्टियां मनाने कहां गई है इसका पता तो हमें नहीं चल पाया है, लेकिन हां, सोनाक्षी ने अपने बिजी स्केड्यूल से एक वीक की छुट्टी जरूर ले ली है। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस जहां अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद सक्सेस इंटरव्यूज देती हैं, वहीं सोनाक्षी अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने निकल गई हैं। वैसे सोर्सेस का कहना है कि सोनाक्षी का स्केड्यूल काफी बिजी है, ऐसे में वो चाहती थी कि वो कुछ समय तक आराम करे और यही वजह है कि उन्होंने एक वीक की छुट्टी ली है। और इसी छुट्टी से वापस लौटते ही सोनाक्षी सिन्हा फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की प्रमोशंस और रैम्बो राजकुमार की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई।